मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रहता है सुर्खियों में। कायाकल्प टीम के निरीक्षण के दौरान मिला था एक्सपायरी इंजेक्शन। एक्सपायरी इंजेक्शन की गूंजी थी लखनऊ तक। मंडलायुक्त को निरीक्षण के दौरान बाहर से दवाइयां लिखने की मिली खामियां। जिला अस्पताल में खामियों को लेकर मेडिकल इंचार्ज सहित अन्य लोगों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। जर्जर बिल्डिंग को लेकर गंभीर होती दिखी मंडलायुक्त। जिला अस्पताल में सर्जरी को लेकर मंडल आयुक्त ने जताई चिंता। जिला अस्पताल में निरीक्षण में जिलाधिकारी सीएमओ सीएमएस सहित तमाम डॉक्टर रहे मौजूद। अभी निरीक्षण चल ही रहा है। बहरहाल जो यहाँ के वार्ड्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, मेडिसिन का, टेस्ट का, ये सारी चीज़ें अभी देखी गई हैं। लगभग स्थिति संतोषजनक है। दो तीन चीज़ें जो इश्यूज़ लग रही हैं, एक तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसमें मेंटेनेंस का भी अभाव दिख रहा है, और काफ़ी क्योंकि पुरानी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, एक तो उसको देखना पड़ेगा। दूसरा, सर्जरीज बहुत कम हो रही हैं, यद्यपि सर्जन्स हैं लेकिन कुछ इश्यूज हैं उसमें, तो सर्जरीज को बढ़ाने की ज़रूरत है। तीसरा, कुछ मेडिसिन्स में भी जो हॉस्पिटल से नहीं मिल रही हैं लेकिन जन औषधि केंद्र के लिए प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, उसको भी देखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन वही लिखी जाए जो हॉस्पिटल में। बाकी अभी स्टॉक्स वगैरह चेक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। बाकी चीज़ें जी, स्टाफ में लगातार गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन किया जाता है और यहाँ खैर इन स्टाफ की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो लगभग सभी विंग्स में हॉस्पिटल हैं, आपकी टेस्टिंग सेटअप में भी मशीनरी है या डॉक्टर्स हैं वो सब हैं, और टेस्ट भी लगातार समय से हो रहे हैं, तो ऐसी कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर का ही अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, उसको टेकअप किया जाएगा। और बाकी एक्सपायर्ड मेडिसिन का भी स्टॉक वो दिखा नहीं पाए हैं, देखेंगे उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा। एक्सरे की मशीन लगातार खराब देखी जाती है, कैसे? एक्सरे की मशीन आज तो एक खराब पाई गई है, अब उसको चेक कराते हैं कब से खराब है, अभी वो डिटेल नहीं निकला है। बाकी मशीन ऑपरेशनल थी सर। लगातार यहाँ पे जो चिकित्सक है बाहर की दवाइयाँ देखते हैं, उसको लेकर भी कुछ? जैसा मैंने कहा कि आज एक दो केसेस आए हैं जिसमें यहाँ की नहीं है, उन्होंने जन औषधि केंद्र की रिकमेंड की है, तो उसको ज़रा विस्तृत तरीके से जांच कराएंगे। और डायरेक्शन तो अभी ओरल तो दे ही दिया गया है कि कोई भी मेडिसिन बाहर की ना लिखी जाए, बाकी कौन सी दवाई क्यों बाहर की प्रिस्क्राइब की है उसकी जाँच कराएंगे। मेडिकल के नाम पर बड़ी सारी चीज़ें मरीजों से वसूली की जाती है, उसको लेकर कुछ काम? किसके किसके नाम? मेडिकल के नाम पर, मेडिको लीगल के नाम पर। अब हमारे संज्ञान में नहीं है, मैं जब दवाई लेने गया था तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि दवाई उनने काट दी और ये बोलना कि ये दवाई यहाँ पे है नहीं है, ये बाहर मिलेगी। अच्छा। जब जब आते हैं दवाई पूरी नहीं मिलती, ये पर्ची बना के देते हैं, अंदर दवाई मिलती है, इसका मतलब ये होता है ये पर्ची सारी अंदर मिलेगी, ये वाली पर्ची, और ये वाली पर्ची ये बाहर की होती है, बाहर भी कर सकते हो। लेकिन अभी भी ये बोला जा रहा है कि ये दवाई जो है कि ये उस वाली दवाई है बाहर से मिलेंगी, अभी भी घुमाया जा रहा है, मैम के सामने घुमाया गया है। अच्छा। लेकिन रियलिटी ये है कि ये दवाई अंदर ही मिलती है, अंदर ही मिलती है, मैम के सामने घुमाया जा रहा है कि दवाई ये सारी दवाई अंदर मिलती थी, ये पर्ची है छोटी वाली है। अच्छा। और जैसे हम वहाँ पर गए तो उन्होंने मना कर दी कि ये दवाई है नहीं है, ये भी शायद रिप्लेसमेंट ही मिली है कोई दवाई। अच्छा। ये तीनों दवाई गायब है, क्योंकि चार टेबलेट है लेकिन मिली एक ही टेबलेट है। पहली बार ऐसा हुआ कि पहले ही? नहीं, इससे पहले कई बार हुआ है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, ये घुमाया जाता है। हाँ, वो तो हमें मौका मिला था कि बात करने का, हमें पता था कि मैम आई हुई हैं इसलिए हम कंप्लेंट करने आए थे, उसमें भी रोका जा रहा कि बात मत करो। अच्छा। हाँ, रोकने की कोशिश की? हाँ, रोकने की कोशिश करते हैं, जी शिकायत की मैंने। क्या नाम? मेरा नाम सौरभ है, ये मेरा भतीजा है, इसको दवाई। अच्छा, आए कहाँ से? हाँ, मैं यहीं जगदीशपुरा से। ठीक है।